नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, पिछली सरकार ने कानून बनाया लेकिन संविदा कर्मचारियों को नहीं मिल सकी पूरी राहत। क्या कुछ है पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के दावे सालों से उलझे, हर सरकार थमा रही है झुंझुना। क्या कुछ है आज यहाँ पर राजस्थान पत्रिका की ये न्यूज़ है, जिसमें संविदा कर्मचारियों के भरोसे कई कार्यालय, महंगाई के दौर में कर्मचारी कैसे करें गुजर बसर, कई को तो न्यूनतम मजदूरी भी यहाँ पर नहीं मिल रही। क्या जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रदेश के में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के दावे भले ही हर सरकार की ओर से किए जाते हैं, लेकिन संविदा कर्मचारियों को पिछले 15 वर्ष से पूरी तरह राहत नहीं मिल सकी पिछली सरकार की ओर से चुनावी। तो आप देख सकते हैं, प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के दावे भले ही हर सरकार की ओर से किए जाते हैं, लेकिन संविदा कर्मचारियों को 15 साल से पूरी राहत नहीं मिल सकी पिछली सरकार की ओर से। चुनावी साल में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नया कानून कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 बनाए गए। इसके बाद भी प्रदेश में करीब 110,000 से अधिक संविदा कर्मियों की पक्की नौकरी की खुशियाँ कायदों में उलझी रही। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच में वेतन सहित अन्य सुविधाएं नहीं होने से उनका जो घर चलाना है वो मुश्किल हो रहा है। दरअसल पिछली सरकार ने पहले तो संविदा कर्मचारियों को सीधे स्थायी करने का वादा किया था, इसके बाद में सेवा नियमों को पूरी तरह मामलों में उलझा दिया। अब संविदा कर्मचारियों को नई सरकार से राहत की आस है, अलग से भर्तियों का दावा भी। फिर पिछली सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अलग से भर्ती करने का दावा किया था, लेकिन एक साल में किसी भी विभाग में अलग से कोई भर्ती नहीं की गई। पिछले साल दावा किया गया था कि नई भर्ती होगी, उसमें संविदा कर्मचारियों के लिए अलग से पद तय किए जाएंगे। पिछले एक साल में 10 भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए, जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक भी नियम की पालना नहीं हुई। चिकित्सा विभाग में बोनस अंकों के जरिए एक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई, लेकिन अभी तक परिणाम अटका हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं, लॉलीपॉप की सरकार में क्या दावे हुए आप देख सकते हैं। कांग्रेस 2019 में किया कमेटी का गठन, 2021 में नियम बनाने की घोषणा। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद 1 जनवरी 2019 को कर्मचारियों की समस्या समाधान के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया। उसमें तत्कालीन ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला को अध्यक्ष, कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव को सदस्य और 4 मंत्रियों को इसका सदस्य बनाया। लेकिन कमेटी ने पिछले साल रिपोर्ट दी, इसमें संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की सिफारिश की गई थी। भाजपा 5 साल उलझा रहा मामला फाइलों में। भाजपा सरकार ने 2 जनवरी 2014 को संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसके में तत्कालीन मंत्री राजेंद्र राठौड़ को अध्यक्ष बनाया, तत्कालीन मंत्री यूनिश खान, अजय सिंह को सदस्य। कमेटी में सदस्य सचिव, कार्मिक विभाग प्रमुख शासन सचिव को बनाया। इस कमेटी ने भी स्थायी करने की सिफारिश की थी, जो 5 साल फाइलों में उलझी रही। जी हाँ दोस्तों, वेतनमान मानदेय स्लैब नाकाफी। महंगाई के दौर में सरकार ने संविदा कर्मचारियों के मानदेय स्लैब में ज़्यादा बदलाव नहीं किया, इस वजह से प्रदेश के संविदा कर्मचारी खुश नहीं हैं। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि उन्हीं पदों पर काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों के मुकाबले मानदेय काफ़ी कम है। चुनौती, दोनों आदेशों में अलग अलग दावे। सरकार की ओर से इस साल जारी आदेश में स्थायी करने के दावे किए गए, जबकि पिछले साल जारी आदेश में 5 साल और फिर 3 साल कार्य को बढ़ाने का दावा किया था। ऐसे में सरकार के दोनों आदेशों में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की राह में कई चुनौतियां हैं। फायदा, हर साल जारी करने पड़ेंगे आदेश। आप देख सकते हैं, पंचायत सहायक सहित को हर साल मानदेय सेवा के पृथक आदेश जारी किया जाता है। संबंधित विभाग को हर साल वित्त विभाग में प्रस्ताव भेजना पड़ता है, इसके बाद विभाग की ओर से इनके आदेश जारी होते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कानून बना लेकिन संविदा कर्मचारियों को पूरी तरह राहत नहीं मिल सकी। साथ ही साथ मैं बता दूं, स्थायी कर्मचारियों के मुकाबले इनका वेतनमान काफ़ी कम है। संविदा कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि इनको नियमित किया जाए। हर विभाग में संविदा कर्मचारियों की फौज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सरकार की ओर से संविदा कर्मचारियों की संख्या 1,10,000 बताई है, जबकि कर्मचारी संगठनों के हिसाब से संविदा व मानदेय कर्मचारियों की संख्या 4 लाख से अधिक है। कर्मचारी संगठनों के हिसाब से जनता जल योजना के 6500, NRHM मैनेजमेंट के 2800, फार्मासिस्ट संविदा कर्मचारी 3000, NUHM के 2200,
MNDY के 4400, आंगनवाड़ी में करीब 1.5 लाख, मदरसा व पैरा टीचर वंचित 4500, लोक जुम्बिश कर्मचारी 2200, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक 27000, नरेगा कर्मी 19000, प्रेरक 12000, समाज कल्याण विभाग के रसोई चौकीदार 910, होमगार्ड 28000, IIT संविदा कर्मी 2500, कृषि मित्र 17000, NRLM कर्मी 1800, व्यावसायिक शिक्षक 1000, शिक्षा कर्मी 4500, कंप्यूटर शिक्षक 5000, कुक कम हेल्पर 1 लाख, शहरों में विभिन्न अस्पतालों में लगभग 20000 संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं। हालात ये हैं कि ज़्यादातर महकमे इन संविदा कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, सरकार ने करीब इनका आंकड़ा संविदा और मानदेय कर्मचारियों का 1,10,000 बताया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों के हिसाब से इनका जो आंकड़ा है वो करीब 4 लाख से ऊपर है। कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग इन्होंने इनको संविदा सेवा नियम में लिया गया, लेकिन अभी तक इनको नियमित नहीं किया जा सका। साथ ही आप देख सकते हैं, इन्होंने हर साल यहाँ पर आंदोलन किया और नियमित करने की मांग की, लेकिन अभी तक इनका जो मामला है वो जो नियमितकरण का जो मामला है अभी तक पूरा नहीं हो सका। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।